सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइव ट्रिक। तो गाइज आज का वीडियो फिर से एक न्यू वीडियो आ चुका है। गाइज आज जो आपको बताने वाला हूँ फीमैक्स का एक खतरनाक ट्रिक, खतरनाक बोल सकते हो, ऐसे वन डिवाइस ट्रिक अनलिमिटेड लूटोगे, ठीक है। और आप जितना भी बैलेंस को जीतोगे, सारा बैलेंस को कैसे पेटीएम पे लेना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे यूज़र के मुझे प्रूफ भेजा था, जो भाई मेरा $10 बन चुका है, मेरा $11 मेरा ट्रेडिंग करके मेरा हो चुका है, तो उसको पेटीएम पे कैसे लेना है पूरा आपको ट्रिक समझा दूंगा। पेटीएम पे मतलब बैंक पे कैसे लेना है बैलेंस को सारा कुछ प्रोसेस दिखाऊंगा, लाइव आपके सामने मैं पैसा का उठा के दिखाऊंगा, ठीक है। और सारा कुछ ट्रिक आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। सो गाइस ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बाजू में सब उसको भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट करो, वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक भी कर देना। और हमारी डेली चैनल वाला गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और पेटीएम नंबर के साथ कमेंट करना। इस वीडियो में गिव अवे गाइस, तो मैं सबसे पहले गिव अवे का रूल्स यहाँ पे निकला देता हूँ। सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ वीडियो का URL, कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ यहाँ पे मैं रैंडम फिगर वेबसाइट पे एंड पेस्ट कर देता हूँ, गेट कमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जो भी विनर आएगा उसको मैं रिसीव उसका पेटीएम का सेंड कर दूँ। प्लीज़ यार आप भी अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लेना, ठीक है। तो अपना पेटीएम नंबर के साथ मस्ट टू मस्ट कमेंट करना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखते कौन विनर बनता है। और गाइस यहाँ पे देख सो फाइनली एक बंदे विनर बन चुका है, यहाँ पे देखो इन्होंने मस्ट लिखा है और अपना पेटीएम नंबर दिया है डॉट डॉट लगा के, ठीक है। तो अब मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड डॉट डॉट लगा के दिया है बंदे ने पेटीएम नंबर को, तो यहाँ पे मैं सिंपली नोटपैड पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नोट पेज को पेस्ट कर लिया एंड जो डॉट होता है ना जो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सारा जो हटा देता हूँ डॉट डॉट को, ठीक है। देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस बार को नंबर को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं लाइव आपके सामने मैं पेटीएम का ₹10 का प्रोवाइड कर देता हूँ। गाइज आप पेटीएम नंबर के साथ दोगे तो आप डॉट डॉट मत लगाना, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा ईजी होंगे एंड यहाँ पे ₹10 को दे के यहाँ पे मैं पेटीएम वॉलेट से यहाँ पे मैं पेमेंट कर दूँ बंदे को, ठीक है। सो गाइस कांग्रेचुलेशन, आप हमारे गिवअवे का विनर बन चुके हैं, आपको मैं ₹10 का पेटीएम का सेंड कर दिया, ठीक है। सो गाइस आज का जो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन होता लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाक से ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे लूट जो ऑफर अपडेट होता है सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर देता है। आके ज्वाइन कर लें मानी ऑफिशियल, हमारे चैनल का नाम है आके सर्च कर लें, ठीक है। सो गाइस अभी आपको ट्रिक समझाता हूँ क्या क्या ट्रिक है। देखो गाइस अभी ट्रिक क्या है फीमेल्स का आपको पता होगा, जो यहाँ पे मैं बहुत दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जो फीमेल्स का बैलेंस को आप कैसे ट्रांसफर करोगे, तो बहुत सारे यूजर मुझे कमेंट कर रहा था भाई मैं हार रहा हूं, मतलब जीत ही नहीं पा रहा हूं, लगा रहा हूं आप पे तो डाउन जा रहा है, डाउन पे लगा रहा हूं तो अप हो रहा है, मैं बैलेंस हार जा रहा हूं, मेरा बैलेंस एक भी रुपीज अर्निंग नहीं हो रहा है। तो खतरनाक ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर समझोगे 100% 200% लिख लो 100% आप विन करोगे यहां से, ठीक है। सो अब देख सकते हो मेरा अभी यहां पे मैंने कितना विन किया, मैं आपको सामने दिखाता हूं स्पोर्ट बैलेंस को जाके दिखाता हूं, मेरा विन किया हूं टोटल $3, ठीक है। मैंने $10 को लगाया था, मेरा $5 बन गया था, ठीक है। मेरा गलती की वजह से $3 यहाँ पे लॉस हो गया था, उसको छोड़ो यार इग्नोर करो, मेरा गलती था उसलिए हुआ, आपको मैं पूरा समझाऊंगा ट्रिक, तो आप गलती मत करना, ठीक है। अभी देखो मेरा यहाँ पे $3 के करीब प्रॉफिट बन चुका है आपके सामने लाइव, इसको मैं रिडीम लगा के दिखाऊंगा लास्ट में। सबसे पहले आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक को करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत, देखो इस एप्लीकेशन का नाम स्पेस क्लोन, ठीक है। आपको इसका एक जरूरत होगा क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रिक को लगाने के लिए मस्ट इसका जरूरत होगा। और आपको बता दूँ बहुत सारे आपके ईमेल का भी जरूरत होगा, जितना सारा ईमेल होगा उतना यहाँ पे लूटोगे, पर ईमेल आपको मिल सकते हैं 200 से 300 करके पर ईमेल आपको मिलेंगे अगर एक ईमेल बनाओगे, सो इंस्टेंट आपको 200 से 300 मिलेंगे। कैसे आपको बता दो, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करो, आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लो, ठीक है। आप जितना चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक को ऐड कर लिया एंड अलाउ कर देता हूँ, अलाउ कर लो, ठीक है। अलाउ करने के स्टार्ट पे क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस आपको एक बार साइनअप प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा आपको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लेता हूँ, देखो ओपन करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, आप एक पासवर्ड डाल दो, ठीक है। देखो यहाँ पे सब कुछ डाल दो एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, ईमेल आईडी न्यू डालना होगा आपको, मैं पहले बता दिया, जितना सारा ईमेल आईडी होगा आपके पास बना लो यार, बनाने में क्या जाता है ईमेल आईडी को, ठीक है। इंस्टेंट बन जाता है, एक सेकंड के अंदर ईमेल आईडी बन जाएगा। सो यहाँ पे ईमेल आईडी को डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करो, आपको ओटीपी पूछेगा, तो जो आपने ईमेल डाला होगा उसमें एक ओटीपी कोड आ चुका होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ओटीपी कोड को थोड़ा सा वेट करो, देख सकते इंस्टेंट यहाँ पे ओटीपी आ गया होगा, तो ओटीपी को डाल दो। ओटीपी को डालते ही आपके सामने ऐसा आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको ऊपर क्रॉस का ऑप्शन मिला, क्रॉस कर लेना, ठीक है। जब भी क्रॉस कर लोगे कभी कभी कट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं दोबारा, ओके यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लिया एंड आ जाता हूँ यहाँ पे बोनस का एक ऑप्शन मिला, आपको बोनस पे आ जाना होगा। आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको पता ही होगा यार, फिर भी एक बार बता रहा हूँ जो न्यू यूजर होंगे, आपको देख सकते हो ये मिल जाएगा पोस्ट, आपको यहाँ पे ट्विटर पे क्लिक करना होगा छोटा वाला पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इसका एक ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो आपका ट्विटर अकाउंट अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो बना लो, नहीं बना है तो लॉगिन कर लो, अदरवाइज साइनअप पर क्लिक करो, ठीक है। साइनअप पर क्लिक करना, न्यू अकाउंट बहुत सारा ट्विटर अकाउंट भी बनाना होगा, उसी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक नेम डाल देना अपना, ठीक है। जो अपना नेम होगा नाम डाल दो एंड फोन नंबर के द्वारा यहाँ पे यूज ईमेल आईडी पे क्लिक करना, आपके ईमेल आईडी को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपका जो जिस अकाउंट से आपने ईमेल आईडी बनाई होंगे उस ईमेल को फिर से यहाँ पे डाल दो, ओके गाइस यहाँ
ओके गाइस यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे जो आपने अपना जो ईमेल आईडी जो आपने अभी अभी अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाला वैसी ईमेल आईडी को डाल देना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। देखो गाइस यहाँ पे डालने के बाद नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर लेना एंड यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करो एंड वेरिफिकेशन कोड पूछेगा ईमेल पे। देखो गाइस यहाँ पे ईमेल पे कोड आ गया, सिंपली इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद जाकर वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, तो आपका बन जाएगा अकाउंट यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ एंड जो भी पूछेगा यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद ये सब जो आएगा ना आपको स्किप कर देना, ठीक है। इसको स्किप कर जल्दी जल्दी करके क्रिएट कर लेना, दो से तीन मिनट का टाइम लगेगा आप सभी का, ठीक है, यहाँ पे करने में ये सब एक अकाउंट बनाने के लिए दो से तीन मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब बना लो, तीन चार अकाउंट को बना लो, ठीक है, आपका जो बन जाएगा बन के रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है एक बार बैक करना, ठीक है। ऐसा जब आ जाएगा एक बार बैक कर लो, आपके सामने ऐसा आ जाएगा, आपको इसको फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे कि आप फॉलो कर लोगे एक बार फिर से बैक कर लो, बैक करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको फिर से आपको ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करो, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर ट्विटर पे क्लिक करो, आपका जो फिर से ट्विटर अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड उसी ट्विटर अकाउंट को देखे यहाँ पे साइन अप लॉगिन कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉगिन कर लिया एंड यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करो और अपना जो यूज़र नेम ये वाला आपका यूज़र आईडी होगा, ठीक है, आपको इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, आपका जो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, मतलब एट द रेट को कॉपी मत करना, ठीक है। इसको कॉपी करके बैक कर लो, बैक करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, इसका नीचे का एक पोस्ट रहेगा जिसको आपको रिट्वीट कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रिट्वीट कर दो, ठीक है, रिट्वीट कर दो, ठीक है, तो आपका रिट्वीट हो जाएगा। आपको एक बार बैक कर लो, बैक करने के बाद अभी जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद गाइस यहाँ पे इसको आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे देखो वैसे यहाँ पे जो आपका ट्विटर का यूज़र आईडी आपको यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड आपको साइन अप क्लाइम बोनस पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो योर अंडर रिव्यू, आपका जो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको $10 प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको $10 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे $10 दिख जाएगा, ठीक है। देखो वैसे यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं हुआ और मेरा जो अप्रूव हो गया यहाँ पर $10 का यहाँ पर मुझे रिसीव हो गया। अभी आप ट्रिक समझोगे, अभी ट्रिक क्या है आपको समझ रहे हो ना, अभी क्या करना होगा, आप देखो आपके पास जितना ईमेल आईडी होगा यहाँ पे आ जाओ प्रो मल्टी स्पेस पे और इसके अंदर आके जितना भी आपके पास ईमेल आईडी होगा उतना ऐड करो, ठीक है। ऐड करने के बाद जितना भी ईमेल आईडी होगा सारा पे जाके बोनस को क्लाइम करो, उतना अकाउंट बना के 8-10 जितने अकाउंट बना सकते हो बना लो एंड सारा पे $10 का बोनस को क्लाइम कर लो, ठीक है। बोनस को क्लाइम कर लिया, अभी मेन ट्रिक देखो गाइस, अभी मेन ट्रिक आपको समझाता हूँ। देखो गाइस अभी क्या है, आप देखो मेरा दो अकाउंट है, जैसे कि आपको दो चार जितना अकाउंट बना सकते हो बना लेना। अभी देखो मेन ट्रिक, आपको दोनों अकाउंट को ऑन कर लो, जैसे कि यहाँ पर भी मेरा $10 का यहाँ पे $10 का बोनस है, ठीक है, और मेरा दूसरे वाला अकाउंट पे भी $10 का यहाँ पे बोनस है, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों अकाउंट पे। अगर एक अकाउंट से आप लगाने जाओगे तो आप हार जाओगे, तो आप देखो ट्रिक क्या, आप आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, आने के बाद अभी एक टोकन को सिलेक्ट करो, दोनों अकाउंट पे एक ही टोकन को सिलेक्ट करना, जो टोकन यहाँ पे इस अकाउंट को सिलेक्ट करोगे उसी अकाउंट पे जाके वही टोकन को सिलेक्ट करना, अदरवाइज होगा नहीं। आपको क्या करना है, आप देखो मैं यहाँ पे डॉकॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको पूरा ट्रिक को समझना, ठीक है। ट्रिक को आप ध्यान से समझोगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है, इस वाले अकाउंट पे भी जैसे कि यहाँ पे मैं डॉकॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इस वाले अकाउंट पे मैंने डॉकॉइन को सिलेक्ट कर लिया, अभी क्या करना होगा आपको, आपको यहाँ पे इस वाले अकाउंट पर डॉकॉइन को सिलेक्ट करना, तो इस वाला अकाउंट पे भी वही टोकन को डॉकॉइन को यहाँ पर भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता हूँ थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ पे डॉकॉइन यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको डॉकॉइन को यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों को डॉकॉइन सिलेक्ट करना है, अभी क्या करना है, एक पे आपको बाय करना है, एक पे सेल, मतलब एक पे अप पे लगाना है, एक पे डाउन पे लगाना है। अगर जो अकाउंट विन करेगा वो एक अकाउंट आपका हमेशा विन करेगा और एक अकाउंट लॉस पे जाएगा तो एक अकाउंट पे आपका मतलब फायदे पे जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो इस पे सेल पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करने के बाद आपका क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लो, आपका जो क्वांटिटी है ना वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लैंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे लैंड पे क्लिक करो एंड आपका जो ये टू एकदम 20x कर दो, ठीक है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करो, इसको सेव कर लो, उस पर भी वही सेटिंग करो, ठीक है। इसमें भी आ जाओ एंड इसमें भी आने के बाद इसमें बाय पे क्लिक करो, उसमें सेल पे क्लिक करोगे तो इसमें बाय पे क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसमें सेल उस पे सेल पे क्लिक किया हूँ तो इसमें मैं हमेशा बाय पे क्लिक करूँगा। बाय पे क्लिक करने के बाद देखो ट्रिक क्या है, इसमें भी आपको क्वांटिटी को सेम सिलेक्ट कर लेना होगा, जो यहाँ पे एक्सेल पे सिलेक्ट करो एंड इसको 20x कर दो, ठीक है। एंड आपको क्या करना होगा, इसमें आपको क्या करना है, 10 इसको भी पूरा आपको इसको जो लाइनअप है ना आपको सेल पे क्लिक करो, इसका जो पूरा लाइनअप है ना आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले ये जो लाइनअप दिख रहा है ना आपको जो पूरा 100 कर दो, ठीक है। जितना भी आपका $10 है आपका जो यहाँ पर $10 कर दो और इसमें भी आके आपको इसको भी पूरा $10 कर दो, ठीक है। देन इस पे सेल करो दोनों एक साथ पे, ठीक है। दोनों एक साथ पे सेल बाय करना, ठीक है। इसमें सेल करना आपका सक्सेसफुली सेल हो जाएगा, उसमें जाकर फटाक से जाके इसमें आप जाके बाय कर लेना, ठीक है। तो आप मोबाइल मेरा देखो, इसमें आकर मैं सेल कर लिया, देखो दोनों अकाउंट पे मैं लगा दिया, ठीक है। एक अकाउंट मेरा हमेशा विन करेगा, ठीक है।
देखो जी यहाँ पे सेम ट्रिक है। देखो यहाँ पे अगर मैं प्लस पे जाऊँगा ना तो वहाँ पे उसमें मैं माइनस पे जाऊँगा, ठीक है। अगर इस अकाउंट पे मैं प्लस जाऊँगा तो उसमें माइनस जाऊँगा, ऐसा ट्रिक है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी 0.6 हुआ सिर्फ और सिर्फ, इसलिए दोनों पे माइनस दिखा रहा है। आप देखना है थोड़ी देर आपको वेट करूँगा, अगर इसमें ज़्यादा माइनस जाएगा तो उसमें 100% प्लस पे जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आप देखना, वेट करना, आपका जो प्लस पे 100% जाना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। अभी देखना आप थोड़ा सा वेट करोगे तो आपका प्लस पे ये जो अकाउंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। दो अकाउंट के अंदर एक अकाउंट आपका प्लस पे जाएगा और एक अकाउंट आपका माइनस पे जाएगा, ठीक है। देख सकते हो इसमें मेरा प्लस चल रहा है तो यहाँ पे इसमें मेरा माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस, जो एक अकाउंट अपना विन कर लेगा और एक अकाउंट अपना हार जाएगा, जैसे इसमें मेरा प्लस चल रहा है। तो ऐसा ट्रिक है गाइस, आपको समझ में आ गया हो आई होप, ठीक है। आपको एक अकाउंट पे लगा देना है माइनस पे, एक पे प्लस पे लगाना है तो आपको एक अकाउंट विन करेगा। जैसे कि मैं मेरा ये अकाउंट मेरा विन कर लिया, मेरा रेवेन्यू ज़्यादा हुआ था, $5 के करीब पहुँच गया था जब भी, तो आपका एक अकाउंट पर $5 से ज़्यादा हो जाएगा। आप आधे घंटे बाद बाद चेक करना, जब भी $5 के ज़्यादा हो जाएगा ना सुबह आपके आपका जो इसको क्लोजअप कर देना। क्लोजअप कैसे करना है आपको पता होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्लोजअप कैसे करना है, ठीक है। देखो इसमें मैं जैसा $3 प्रॉफिट हो चुका है तो मैंने क्या करूँगा, सिंपली मैं देख सकता हूँ मेरा $3 प्रॉफिट में है, तो अब मैं सिंपली क्लोज आउट पर क्लिक करके इसको मैं 100 कर दूंगा एंड कन्फर्म कर दूंगा। तो मेरा जितना भी बैलेंस था यहाँ पे क्लोज आउट हो चुका है, और यहाँ पे जितना भी बैलेंस मेरा सारा बैलेंस यहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट पे मेरा आ चुका है। अभी आपको बात कर लेते हैं इस बैलेंस को आप कैसे ट्रांसफर करोगे पेटीएम पे। तो आपको देख सकते हो मेरा यहाँ पे जितना भी होगा, तो आप ट्रांसफर पर क्लिक करो। ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद अभी देखो गाइस मेन फंड यहाँ पे, ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको USDD सॉरी गाइस एक बार यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सॉरी गाइस यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करो तो आपका जो यहाँ पे स्पोर्ट वॉलेट हो जाएगा, और इसको क्लिक करके इसको USDD स्पोर्ट कर लेना, ठीक है आपको। और यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना, आपका जितना भी बैलेंस होगा मैक्सिमम $1 का आप कर सकते हो, तो मेरा $3 के करीब है, तो मैं क्लिक कर लिया एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट क्विक आउट पे, ठीक है। जब भी क्लिक करूंगा आप देख सकते हो 15 सेकंड का टाइम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद गाइस मेरा जितना भी बैलेंस यहाँ पे आ गया। और मेन बात एक और बात बता दूं, आपका मान लो $10 है, ठीक है, मान लो आपका $12 है, ठीक है, $12 है जो $2 प्रॉफिट का है, ठीक है, मतलब $2 आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है और आपने क्लोज अप कर दिया, तो आपका यहाँ पे $12 रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। जब आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे तो आपका जो $10 था रहेंगे ना वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपका जितना रेवेन्यू रहेगा वही सिर्फ आपका आएगा, अदरवाइज जितना भी बैलेंस रहेगा वो कट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान से रखना, जब तक आपका रेवेन्यू ज़्यादा निकल नहीं लेते $5-6 तब तक आप क्लोज अप मतलब इसको स्पोर्ट वॉलेट से ट्रांसफर मत करना। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कर लिया सारा बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर। अभी क्या करना है आपको, इसको उद्दाल पर क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो USDT है, तो यहाँ पे मैं उद्दाल पे क्लिक करूँगा एंड बाउंड ये बाउंड पे क्लिक करना, गूगल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपको इसको की पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो अभी आपको मैं इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे आ जाएगा, ठीक है। एंड जाके प्ले स्टोर से आपको उसको जो गूगल ऑथेंटिकेशन का जो ऐप से आपको इसको डाउनलोड करना होगा, आपको गूगल ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करने का होगा इसका जो लेने के लिए। देखो इस प्ले स्टोर पे अगर सर्च कर लोगे गूगल ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा, इसको आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। देखो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना होगा, अभी देखो अभी डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मेन अकाउंट को ओपन करो एंड आपको क्या करना होगा, बाइंड फिर से बाइंड नाउ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करो, ठीक है। और आपका एक सीक्रेट की आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये की आ जाएगा, आपको इसको की को कॉपी कर लो। देखो इसको की को आप सेपरेटली रख लेना, क्योंकि गाइस बाद में आपको इसका जरूरत बहुत ज़्यादा होगा, इसका कहीं पे नोटपैड पे सेव करके रख लो अभी, ठीक है। अभी आपको की को कॉपी कर लिया, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद गाइस आपको स्टार्ट पे क्लिक करो। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर की का ऑप्शन मिलेगा, की पे क्लिक करके यहाँ पे नेम डाल दो, इस एप्लीकेशन का नाम डाल देना, देखो। एंड नाम को डालने के बाद यहाँ पे की को पेस्ट कर लो एंड यहाँ पे एड पे क्लिक करो, ठीक है। जब भी एड पे क्लिक करो आपको एक कोड जनरेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पे दिख जाएगा जो आपका एक बाउंड हो चुका है, आपका जो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली बाउंड हो चुका है, ठीक है। सो आपको बैक करना होगा एंड आप इस बार डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, बाउंड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली बाउंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी बाउंड आपका हो जाएगा। देखो बाउंड करने के लिए आपको यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे बाउंड पे क्लिक करो एंड ऊपर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड आपको की मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, एक यहाँ पे आपको गूगल ऑथेंटिकेशन जो आपका कोड मिला है अभी जस्ट आपको यहाँ पे एक कोड मिलेंगे, वो आपको कोड यहाँ पे एंटर कर देना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया, देखो ऐसे यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा बाउंड हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको अभी जो अपना जो फिनिक्स के अंदर जो मेल रहेगा उसमें एक OTP गया होगा, आपको सिंपली उसको बाउंड करना है, ठीक है। आप उसी टाइम के अंदर करना, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना, ठीक। देखो फाइनली मैंने सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैं सिंपली एक बार लॉगिन कर, देखो गाइस यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल यहाँ पे मैं लॉगिन कर गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी मैं उड्डल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा मेरा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो बैलेंस कहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो जितना बैलेंस आपको USDT पे है तो आपको USDT को सिलेक्ट करना है, ठीक है, USDT का पेयर पे। एंड USDT को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे के लिए आपको क्या
करना होगा यहाँ पे सिलेक्ट योर वॉलेट एड्रेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड एड योर वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करो एंड यहाँ पर TRC20 वाला जो USDT वाला एड्रेस आपको डालना होगा। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे हॉटबिट के अंदर। हॉटबिट का अकाउंट नहीं है तो बना लो, ठीक है, बनाना बहुत ईजी है। एंड आपको USDT सर्च कर लो, USDT पे आ जाओ, आने के बाद यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करो। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा, आपको आने के बाद TRC वाला यहाँ पे दिख रहा है, आपको TRC पे क्लिक करो। TRC पे क्लिक करें आपको एक मिल जाएगा, ठीक है, आपको इसको कर लो एड्रेस को कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लो एंड आ जाओ इसके अंदर। आने के बाद जो एड्रेस को आपको पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद आपको एड्रेस नेम डाल दो, ठीक है, जैसे कि मेरा खुद का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे पूछेगा गूगल ऑथेंटिकेशन कोड, तो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन कोड को यहाँ पे डाल दो। सक्सेसफुली आपका जो TRC एड्रेस आपका जो बाइंड हो जाएगा जब भी गूगल ऑथेंटिकेशन डाल दोगे। एंड आपको क्या करना है, आप ऑल पे सिलेक्ट करो, ऑल पे सिलेक्ट करने जितना भी आपका जो बैलेंस होगा 2.3 डॉलर के करीब मेरा बैलेंस है एंड आगे एंड उडल पे मैं क्लिक करता हूँ। उडल पे क्लिक करने के फिर उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेशन की आपको डालना होगा, ठीक है, एंड डालते ही आपका जो यहाँ पे उडल यहाँ पे हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। एंड आपका जो उडल यहाँ पे देखो इस उडल करने के लिए बोल रहा है जो आप एक मतलब TRX को डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे TRX को डिपॉजिट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, अभी आ जाओ आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे आ जाओ। डिपॉजिट पे आने के बाद यहाँ पे बिटकॉइन रहेगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके TRX सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, देख सो TRX यहाँ पे मिल गया, TRX को डिपॉजिट करो एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे की मिल गया, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो एंड अभी आ जाओ ट्रस्ट वॉलेट पे, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट मतलब क्या यार, आपके पास अगर टोरन है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो मेरे से आप खरीद लेना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। TRX मेरा टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाना एंड मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 3 TRX है तो मैं और ज़्यादा डिपॉजिट करूँगा। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे पेस्ट कर दो एड्रेस को एंड यहाँ पे एक ट्रोन डाल दो, ठीक है, एंड इसको कंटिन्यू पे क्लिक करो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जैसे कि यहाँ पे मैं सेंड को क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो कुछ नेटवर्क फी कट रहा है, काटने देते हैं, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड हो चुका है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हुआ, नोटिस भी आ चुका है जो आपका सेंड हो चुका है, तो आप देखोगा तो आप मेरा यहाँ पे ट्रोन पे जो यहाँ पे TRX एक TRX मेरा साइड से रिसीव हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे मेरा TRX एक रिसीव हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, उडल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे USDT को सिलेक्ट करता हूँ, वही सेम प्रोसेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ऑल पे क्लिक करता हूँ एंड अभी मैं जो यहाँ पे उडल पे क्लिक करता हूँ, अभी मैं गूगल ऑथेंटिकेशन कोड को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, ठीक है, अभी गाइस देख सकते हो। तो फाइनली मेरा यहाँ पे जो हो चुका है, यहाँ पे जो TRX रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मेरा जो बार बार वो प्रॉब्लम दिखा रहा था। आपको एक TRX रिसीव होने के बाद जब भी उडल पे क्लिक करोगे आपका सक्सेसफुल यहाँ पे उडल यहाँ पे लग गया होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा उडल जो यहाँ पे सक्सेसफुल लग गया होगा, ठीक है। अभी आपको डन पे क्लिक करना होगा, डन पे क्लिक करने के बाद आपका जितना भी होगा यहाँ पे चला जाएगा होगा और यहाँ पे रिसीव यहाँ पे उडल रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पेंडिंग पे आपको जो आपका स्टेटस है, जो आपका जो बैलेंस यहाँ पे पेंडिंग पे $3 आपने जो उडल किया वो अभी पेंडिंग पे है। आपका 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका हॉटबिट के अकाउंट के अंदर आपको हॉटबिट के जो यहाँ पे इसके अंदर आपका हॉटबिट के अंदर जो $3 रिसीव हो जाएंगे वो 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ऐसा करके आप जितना भी होगा आप हॉटबिट पे ले लेना, ठीक है, और बाद में आपको यहाँ से हॉटबिट से कैसे पेटीएम पे लेना है तो आपको बहुत सारे यूजर को आता होगा, नहीं आता टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाना, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा सारा चीज़, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं ऐसे एक्साइटिंग लूट के साथ, तब तक गुड बाय, लव यू ऑल गाइस।